मैडम रुकिए, ये भी सुबह आपके यहाँ से मिला, शायद ये आपका ही होगा। अच्छा धन्यवाद। कृष्णा, समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, पर हम तुमको हमारे मन का बात बताना चाहते हैं। तुम्हारे और हमारे रिश्ते को आज तक हम समझ नहीं पाए, और जब समझे हैं तो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बस इतना जानते हैं कि हमको तुमसे प्रेम हो गया है। और ये बात हम तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। हम अपना मन का बात तो बता दिए, तुम्हारे मन का बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है पिंटू सिंह। अरे मैडम जी, अब चले? जब से है जाना मैंने खुद को मोड़े पिया जी, माना तुम्हीं को अपना। अरे हम बोले थे ना कि लग जाएगा। मना लो लेकिन मानी ना मंजरा जी, देखे तेरा ही सपना। हमारे कृष्णा के लिए रिश्ता लाए सिवान के डीसी साहब का। बधाई कृष्णा, अगर आज के बाद तुम और हम ना ही मिले तो अच्छा होगा। मेहरबानी करके तुम यहां से चले जाओ। हमको आपसे कुछ बात करना है, कुछ जरूरी बात। कृष्णा तुम यहाँ? पिंटू जी कहाँ है? अब उसको किसी ने आज कोनो जरूरी काम से बुलाया था, इसलिए वो जल्दी ही निकल गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। काट दिया, आपको बताना तो चाहिए था। क्या कह रहा है वो? एक मिनट ना, हम बताते। हाँ, अरे लेट हो गया तो क्या हुआ? आपको बताना तो चाहिए था। किससे बात कर रही थी? वो केबल वाले से। उसने केबल काट दिया, कह रहा था कि 3 महीने का पैसा नहीं मिला है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक केबल नहीं जोड़ेगा। हाँ, उसका 3 महीने का पैसा बाकी है। अब जो पैसा हाथ में था उससे हम तुम्हारा फीस भर दिए। कृष्णा का वेतन मिलेगा तो उसको पैसा दिलाएंगे। तब तक रहने दो केबल बंद। तुम चिंता मत करो माँ, केबल चल जाएगा। कैसे चालू हो जाएगा? कहाँ से आएगा उसका 3 महीने का पैसा? केबल वाले का इतना औकात पड़ गया कि वो पीडीओ के घर का केबल काटेगा। उसको उसका औकात दिखाना ही पड़ेगा। Thank you.
मैडम जी चाय। वो किरानी बाबू ग्राम पंचायत की फाइल लेकर आना चाहते हैं। भेज दीजिए। जी बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए बस पिंटू जी हमसे कट रहे हैं, हमसे दूर होना चाह रहे हैं। पता नहीं अभी क्या चल रहा है उनके मन में। देखिए पिंटू जी, एक गुण है जो आपके खून में है और वो है ठेकेदारी। तो आप ठेकेदारी में हाथ काहे नहीं अजमा रहे हैं? वो तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन ठेकेदारी के लिए पैसे कहां से आएगा? वो कहा है कि हम एक आदमी को जानते हैं, उसके पास पैसे का कोनो कमी नहीं है। हम एक बार बतिया के देखते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, पैसा उनका और मेहनत हमारा। चलते हैं। हम अंदर आ जाएं? आइए। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। मैडम जी मैडम जी आपका तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाद में आ जाते। हाँ सब ठीक है, आप बस ये फाइल का पूरा ब्यौरा करके हमको बताइए। जी ये हम क्या कर रहे हैं, अपना काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमको पिंटू जी से जल्द सब बात साफ साफ करना होगा। बहुत भागा दौड़ी हो गया, लेकिन अब हम फैसला कर लिए और हमको एक अच्छा पार्टनर भी मिल गया। मुझे उसका मेहनत हमारा। ये तो बहुत अच्छा बात है। वैसे एक बात और है, बोले वो सवेरे कृष्णा आई थी। अच्छा चलो अब कुछ काम का बातें कर लें। अरे यार तुम ही कृष्णा के मैटर को इतना घुमाओ मत, तुम एक बार उससे खुलकर बात कहा नहीं कर लेती हो? वो एक समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी है, इतने बड़े पोस्ट पर है, आखिर परेशानी क्या है? ही तो परेशानी है। देखो वो पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, उसका पोस्ट बड़ा है, पर हम रहने के लिए छत नहीं है, कोनो काम धाम नहीं। मदन इसके बारे में हम आइंदा ना ही बात करें तो ये अच्छा होगा। कृष्णा हमको आपसे कुछ बात करना है। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं।
कृष्णा, हमको तुमसे कोई बात नहीं करना है। और लेकिन पिंटू जी, हमको तो आप हेलो। हाँ सिट, आप पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ, हम आ जाते हैं। कृष्णा, आप हमको कहीं जाना है, तुम घर चली जाओ। तुम हमसे झूठ बुलवाए, हमको फोन करने का कहके सेठ बना दिए, हमको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक तो हमको भी नहीं लग रहा है, लेकिन कृष्णा के लिए ये बेहतर। पिंटू जी का चुप्पी हमारा उलझन और बढ़ा रहा है, कैसे दूर करें ये उलझन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी आ गई। इलो, आज हम टीवी भी नहीं देख पाए, कितना अच्छा फिल्म आने वाला था, केबल ही कट गया। चंचल, कृष्णा के लिए चाय बना दो। इस घर में तो रोज कोनो ना कोनो काम बढ़ जाता है। आज केबल वाला आया, केबल काट के चला गया। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो एगो कुर्सी टेबल ठीक ठाक नहीं। पापा कहाँ हैं? अंदर हैं, तनी देर पहले ही काम से लौटे हैं। हम इसको घर का दिक्कत बता रहे हैं और ये कोनो बात सुनी नहीं रही, एकदम अपना पापा वाला आदत पाल ली है। पापा, हमको आपसे कुछ बात करना है। बोलो क्या बात है बेटा?
पापा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सही नहीं है तो हम कभी भी पिंटू जी से नहीं मिलेंगे। हमारे लिए आपका मान, हमारा परिवार और उसका इज्जत सबसे ऊपर है पापा। हमें पता था बेटा तुम यही जवाब दोगे। तुम जो भी फैसला लोगी हम तुम्हारे साथ। अजी सुनिए तो, तनी बाहर तो आइए। हाँ भैया, कौनो जरूरत नहीं है कनेक्शन जोड़ने का। अरे भैया आप पे काहे, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो। देसी विचार मत करो, रहने दो कनेक्शन कटा हुआ। इसी बहाने किसी का पत्ता भी कटेगा। बता दो ना पिंटू जी को। का मतलब, का बताएं? हमको सब मालूम है कि तुमको भी पिंटू जी बहुत पसंद है। इतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है, बस कहने का जरूरत है। दीदी हम बहुत खुश हैं। चंचल तुम बहुत बकबक करती हो, चुप करो। अच्छा अब हमारा बात तुम्हें बकबक लगने लगा। होता है होता है, ठीक है। बधाई हो, बधाई हो। टुनटुन भैया जी, आप हमारा ये केबल टीवी कंपनी का नए ऑफिस का उद्घाटन करने आए, इससे हमारा इज्जत और ये ऑफिस का शोभा और बढ़ गया। अरे ये भी कोई बात हुआ है? अरे हमारा भरोसा पे तुम इतना बड़ा केबल का धंधा शुरू किया, आज पूरा भागलपुर में तुम्हारा धंधा फैला हुआ है। हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है। फोन बज रहा है, तनी बतिया ले। हाँ हाँ जी नमस्कार। हाँ जी बोलिए। सुनो तनी फटाफट एकदम फर्स्ट क्लास नाश्ते का इंतजाम करो टुनटुन भैया के लिए। बंद करो अपने तमाशा और तामझाम। अब बुलाओ अपने मालिक को। कहा तुम्हारा मालिक? जानते हो किसके घर में केबल का तार दिया? सब भूल गए? देखिए आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते। अच्छा तो यहाँ का भजन गाएं। जब जाके अपने मालिक को बुलाओ। कौन है भाई आप? और इतना हल्ला गुल्ली काहे को मचा रखा है? जब आवाज नीचे। तो तुम हो ये दुकान के मालिक? हाँ हम हैं। जानते हो किसके घर का कनेक्शन काटे हो? पीडीओ के। और हम हैं उनके बड़के भैया। कौन? बड़के भैया। चेब्बा जरूर चाहे ना अभी के अभी तुम्हारा एक तामझाम का सारा कनेक्शन काट दे। जाके बैठना नदिया के किनारे ढोलता से लेकर। अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं भैया, माफ कर दीजिए। आप घर चलिए, जब तक आपके केबल का कनेक्शन लग जाएगा। ध्यान रखना हमें यहाँ दोबारा ना आना पड़े, नहीं तो तुम्हारा कनेक्शन कट। समझे? चलट। ए वो इलाका कनेक्शन कौन देखता है भैया? मैं। अरे तुमको समझ में नहीं आता है
कि किसका कनेक्शन काटना है और किसका कनेक्शन नहीं काटना है। अरे जाओ जाके कनेक्शन जोड़ो उसका। इधर आओ। हाँ भैया। चूड़ी पहन के बैठे हो का? कौनो जरूरत नहीं है कनेक्शन जोड़ने का। लेकिन भैया जी, अरे हम कह रहे हैं हमारा बात पे भरोसा नहीं है का? अरे भैया आप पे का है? हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, देसी विचार मत करो, रहने दो कनेक्शन कटा हुआ। इसी बहाने किसी का पत्ता भी कटेगा। अरे गजब। मैं अफसर बिटिया,